रामगढ़ के प्रधान डाकघर में नवनियुक्त डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार सिन्हा के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार सिन्हा को प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर मनोज कुमार व अन्य डाक परिवार के लोगों ने बुके देकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मंच का संचालन डाक सहायक रविशंकर राय ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि चतरा के डाक निरीक्षक को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। डाक अधीक्षक ने सम्मान समारोह आयोजन के लिए डाकघर रामगढ़ परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी मिलकर एक परिवार के रूप में काम करेंगे। हम सभी एक संकल्प लें कि डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं को डिवीजन के सभी लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया जाए। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना महिला सम्मान बचत पत्र को घर घर जाकर सभी बालिका का खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं रामगढ़ सब डिवीजन का सहायक डाक अधीक्षक से आज डाक अधीक्षक हजारीबाग बना हूं। मेरी जिम्मेवारी बढ़ी, लेकिन फिर भी मैं रामगढ़ के सभी डाकघर के समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। मंच संचालन करते हुए रविशंकर राय ने कहा कि डाक अधीक्षक महोदय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आशा करता हूं कि वे हम सभी के तमाम समस्याओं को दूर करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि चतरा रोहित वर्मा ने भी अपनी बातें रखी। इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से पोस्टमास्टर मनोज कुमार, डाक सहायक रामखेलावन चौधरी, राकेश कुमार, संजय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, प्रिया वर्णवाल, पवन कुमार सहित बड़ी तादाद में मौजूदगी थी। मैं इनफैक्ट जनवरी 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने सबके साथ काम करना सीखा और लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया और मैंने इनको कोई अपना सबॉर्डिनेट नहीं समझा। ये नहीं मैंने सोचा कि मैं मेरे अंदर काम करने वाले मेरे मातहत कर्मचारी हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने सोचा कि चलो सारे मेरे अपने भाई हैं, उनसे काम लेना है, और मैंने हमेशा मेरे अपने बराबर उनको दर्जा दिया, इसलिए संभवतः ये प्यार मुझे मिला। और जहाँ तक आगे जाने की बात आप कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे मैंने कार्यशैली अपनाया वही मैं वहाँ भी अपनाऊँ। आज चूंकि इससे थोड़ा सा हायर पोस्ट है और मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो मैं ज़्यादा इन लोगों का भला कर सकता हूँ, वेलफेयर कर सकता हूँ, इनकी समस्याओं का निराकरण बेहतर ढंग से। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, तो उसके थ्रू हम लोगों ने घर घर जाके कॉन्टैक्ट किया है। रामगढ़ में मैं था तो हमने बहुत बढ़िया बिजनेस किया। जैसे साल भर में लगभग हमने 50,000 खाते खोले, और लगभग जो इंश्योरेंस की बात आप कर रहे हैं तो हमने बहुत बढ़िया इंश्योरेंस किया। जहाँ तक नई स्कीम की बात है, तो महिला सम्मान बचत पत्र, जैसा कि इस बजट में वित्त मंत्री जी ने नया चीज़ लॉन्च किया है, वो इशू हो रहा है और बहुत बढ़िया इशू हो रहा है, जिसका कि शुभारम्भ चित्रपुर डाकघर से भी हुआ है और सारे लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया सहयोग किया है। रामगढ़ पोस्ट मास्टर ने भी बहुत बढ़िया इसमें सहयोग किया, सारे पोस्ट मास्टर ने किया है। और जहाँ तक पुरानी स्कीम का सवाल है, तो हमारे स्टाफ जन जन तक इसको पहुँचा रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल होंगे और एक एक घर को हम लोग टैप कर पाएंगे। मैं रविशंकर है, डाक सहायक चितरपुर। आज हमारे रामगढ़ के सहायक डाक अधीक्षक श्री आशुतोष कुमार सिन्हा जी डाक अधीक्षक के रूप में हजारीबाग डिवीजन में पदभार ग्रहण किए हैं। उसी पदभार ग्रहण के उपरांत हम लोग रामगढ़ प्रधान डाकघर में प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर श्री मनोज सर ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय डाक अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष कुमार सिन्हा जी और चतरा के इंस्पेक्टर सर श्री रोहित वर्मा जी उपस्थित हुए हैं, और पूरे रामगढ़ डाक विभाग परिवार इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुआ है। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि हम पूरे डाक विभाग परिवार के लिए आशुतोष सर जी ने जो कहा आपको आपके पास कि हम जितने भी योजनाएं होंगे जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो महिला सम्मान बचत पत्र है घर घर में खुलेगा, जितने भी महिलाएं होंगी उनको सशक्त बनाया जाएगा, बेटियों के लिए जो योजना है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, इसको भी हम जन जन तक पहुँचाए हैं। रामगढ़ नंबर वन रहा है। हमारे रामगढ़ में जो चल रहा है, आपने जैसा कहा कि PLI RPLI जो कहा आपने, ये योजना जो है बहुत इतने अच्छी योजना है कि हमारे आपके पत्रकार लोग, पुलिस पदाधिकारी लोग और भी जितने भी मास्टर स्कूल के टीचर जितने भी होते हैं सबके लिए योजना है, जन जन तक पहुँच रहा है।